बोलो बाके बिहारी लाल की की जय। जय। श्री मन नारायण 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 स्वामी नारायण 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 हरि हरि नारायण नारायण स्वामी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण भज मन नारायण कृष्ण नारायण नारायण भव से नारायण तारायण नारायण तारायण तारायण श्रीमन नारायण 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 वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। हाँ जी प्यारी लाडली प्रभु की प्यारी संगत जी, हम चौथे अध्याय का श्रवण कर रहे थे जिसमें श्लोक क्रमांक हमने 35 और 36 श्रवण किए, जिसमें भगवान ने हमें बताया कि यदि तुम्हें समस्त पापियों से भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर इस दुख सागर को पार करने में समर्थ हो जाओगे, अर्थात जब किसी संत महापुरुष की शरण में आ जाओगे तो तुम दुख सागर को भी पार करने में संभव हो जाओगे, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद हर पल तुम्हारे साथ रहेगा। और लेकिन ये तभी संभव है जब शिष्य का पूर्ण समर्पण हो अपने गुरु के लिए। अब आगे के श्लोक, श्लोक क्रमांक 37। यथे धांसि समुद्योग्निर्भस्म सात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्म सात् कुरुते तथा। यथे धांसि समृद्धो, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, अर्थात बहुत तेज जब आग जलती है तो उसमें हर लकड़ी भस्म हो जाती है, उसी तरह हे अर्जुन जब ज्ञान रूपी अग्नि तुम्हारे अंदर भी प्रज्वलित हो जाएगी तो भौतिक कर्मों के समस्त फलों को अर्थात तुम्हारे बुरे कर्मों को सबको जला डालती है। ये कहने का भाव है कि आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उसके संबंध की तुलना यहाँ पर अग्नि से की गई है। यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मसात करने वाली है। कर्म फल की कई अवस्थाएं हैं, शुभारंभ, बीज, संचित आदि, किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर यह सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वो पूर्ववर्ती हो या परिवर्ती। वेदों में कहा गया है, उभे उभे वैशी एते तरत्वमृत साध्व साधुनी, अर्थात
मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है। वो कब जीत लेता है? जब उसे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति अपने गुरु के द्वारा हो जाती है। जिस प्रकार अग्नि समस्त लकड़ियों को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार जब मनुष्य को अपने गुरु से दिव्य ज्ञान प्राप्त होने लग जाता है, तो वो भी कर्मों के प्रभाव और उसके फल सब कुछ जलकर भस्म हो जाते हैं। संत ज्ञानेश्वर जी ने बताया है कि सतगुरु की फिर पहचान कैसे करें? जिनके नाम स्मरण से ही आपका चित्त निर्मल होने लगे, शांत होने लगे और आपको अध्यात्म की उन्नति लगे, तभी समझ लीजिए कि वो तत्वदर्शी गुरु है। ऐसे गुरु के पास जाकर अनुनय करें, विनय करें, उनके चरणों में गिर जाएं। ऐसा करके ही दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। यही हमें अपने सद्गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए। आज के श्लोक को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन है माटी का ढेला, बूंद पड़े गल जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन है एक झूठा सपना, ये तन है एक झूठा सपना, आंख खुले कछु नाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। लो बांके बिहारी लाल की जय, मेरे सतगुरु महाराज की जय, जय सभी संतो महाराज महात्मा की। की जय।